हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम कल जो इंग्लिश पेपर हुआ है क्लास 8th का, उसकी एनालिसिस करेंगे ताकि स्टूडेंट्स अपनी जगह प्रिडिक्ट कर पाए कि उनका पेपर जो है वो कितना परसेंट ठीक हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैसेज को तो पढ़ेंगे नहीं, पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस से हम पैसेज की तरफ जाएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाई डिड कैलिफोर्निया परसुएड सीजर टू स्टे एट होम। इसका जो हमारे पास आंसर है दैट इज सी पार्ट, बिकॉज कैलिफोर्निया हैड अ फ्राइटनिंग ड्रीम। यहाँ पे लाइन 4 में आपको ये पैसेज में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द कैलिफोर्नियाज ड्रीम। तो इनमें से हमें देखना है कौन सा ड्रीम का पार्ट है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज डेड। यहाँ पे अगर आप पैसेज में पढ़ोगे वो ये है कि उन्होंने ड्रीम देखा था, ड्रीम में उन्होंने देखा स्टेचू के बारे में, ड्रीम देखा उससे ब्लड निकल रहा था और आगे जाके उन्होंने ड्रीम देखा कि जो कब्रों से जो मुर्दे है वो बाहर आ रहे थे। यहाँ पे ये इस पैसेज में आपके पास है, जिसकी वजह से वो बहुत ही डरी और उसको पता था इस टाइप की जो ड्रीम्स होते हैं हमारी कल्चर में दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी मच सीरियस, आगे जाके कुछ बुरा होने वाला है इस ड्रीम से। तो मेन पार्ट इज डेड। चूज द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड जो हमारे पास है ड्रीम, इसका अपोजिट हमें देखना है एंटोनियम, दैट इज रियलिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ड्रीम का अपोजिट रियलिटी होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज पिक द ऑड वन आउट, मीन्स जो वर्ड्स आपस में रिलेटेड है उनको वहां पे रखना है और जो अनरिलेटेड है उसको आउट कर देना है। यहाँ पे ये देखिए आप, सी जो हमारे पास क्लाउड है, क्लाउड्स की वजह से थंडर होता है और थंडर्स की वजह से लाइटनिंग होती है, मीन्स दीज थ्री आर रिलेटेड। तो इसका जो डी है नाइट, ये ऑड वन है, इसको हम टिक करेंगे, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यूज द वर्ड स्टेच्यू इन योर ओन सेंटेंस। तो इस वर्ड को हमें अपने सेंटेंस में यूज करना है। अच्छा यही होगा कि अगर हम सेंटेंस इसी पैराग्राफ में से लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो सेंटेंस है जो मैंने लिखा है दैट इज कैलिफोर्निया सॉ द स्टेचू ऑफ सीजर इन हर ड्रीम। अब यहाँ पे हमारे पास और एक पैसेज है, इसके क्वेश्चंस पे हम चले जाएंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसी क्वेश्चन के रिलेटेड हम पैसेज को देखेंगे। नेम द यूनियन टेरिटरी वेयर डिड दिस ऑल हैपन। ये जो पूरा इंसिडेंट इस पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है ये कहाँ पे हुआ है, किस यूनियन टेरिटरी में हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे द ऑप्शन इज नैनकावरी आइलैंड। नैनकावरी आइलैंड जो निकोबर आइलैंड का एक हिस्सा है, यूनियन टेरिटरी है हमारी निकोबर आइलैंड, इट इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देखोगे हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैनकावरी आइलैंड, द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। पूरी की पूरी फैमिली वहीं पे चली गई थी क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए और वहां पे पूरा का पूरा इंसिडेंट इनके साथ हुआ है। हु वाज सेव्ड इन द एंड, लास्ट में कौन इस तूफान से बचा। द आंसर इज अलमा जावेद। अलमा जावेद ही थी जो लास्ट में बच गई, बाकी इनकी पूरी की पूरी फैमिली इस तूफान में मर गई। और ये आपको यहाँ पे मिलेगा अलमा सा लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम्ड ऑनटू इट। विच रिलीजियस फेस्टिवल इज मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज, कौन सा रिलीजियस फेस्टिवल इस पैसेज में मेंशन किया गया है। दैट इज क्रिसमस, पहले ही इस पैसेज में आया है। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड जो हमारे पास है यहाँ पे अपरूटेड, इसका अपोजिट क्या है। इसका अपोजिट सपोर्ट है। इसका जो पार्ट नंबर 5 है द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन बिकॉज, क्या होगा इसका, बिकॉज शी इज इन डीप शॉक। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे हमने इस पैसेज में भी देखा दैट शी इज फेंटेड एंड शी इज स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड, वो अभी भी ट्रॉमाटाइज्ड है, बहुत डरी हुई है। शी इज इन डीप शॉक कि उसके साथ क्या हुआ, उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Read the following picture and complete its paraphrase by filling up the blanks with appropriate words. ये जो आपके पास पिक्चर है आपको इसको देखना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। नीचे आपको पैसेज दी गई है, आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सबके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपका जो वर्ड इसमें यूज आप करोगे वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और कम से कम रिलीवेंट होना चाहिए। जो मैंने जो मेरे हिसाब से यहाँ पे यूज होगा दैट इज द पिक्चर प्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर। यहाँ पे पहले में ब्यूटीफुल होगा, द सीन इज ऑफ सम हैप्पी मोमेंट, दूसरे में हैप्पी मोमेंट यूज होगा। देयर इज अ बियर डांसिंग विद अ बॉय, बियर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंड बॉय आपको वहां पे मिलेगा। पहले में आप बियर यूज करोगे, दूसरे में बॉय यूज करोगे। द बियर सीम्स वेरी हैप्पी विद द बॉय, तो यहाँ पे आप हैप्पी यूज करोगे। बोथ आर वेरी जॉयफुल भी आप यूज करोगे, हैप्पी भी यूज कर सकते हो, दोनों इसमें यूज कर सकते हैं क्योंकि एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये आपकी बुक से नहीं है। द पिक्चर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉय एंड द एनिमल, इस तरीके से ये पैसेज कंप्लीट हो जाएगी।
अब यहाँ पे आपके पास सेक्शन नंबर बी में राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इन अ पैराग्राफ। लगभग 80-100 वर्ड्स आपने लिखने हैं। यहाँ पे जो पिक्चर है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, इट्स नॉट अबाउट नेचर, नेचर को तारीफ करने के लिए ये नहीं है। द पिक्चर इज अबाउट द हार्श कंडीशंस इन विंटर, क्योंकि यहाँ पे आप गाड़ियां भी देखोगे, ट्रैफिक जाम यहाँ पे हुआ है, तो हार्श कंडीशन जो विंटर की होती है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं, गाड़ी जाम होती है, रोड्स क्लियर नहीं होते, और इसके रिलेटेड आप एक पैराग्राफ लिख सकते थे। और इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टडी द बिलो गिवन माइंड मैप एंड डेवलप अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80-100 वर्ड्स। यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स दिए गए थे, मेन कीवर्ड जो आपका है दैट इज नेचर, इसके इर्द गिर्द बाकी कीवर्ड्स, मींस नेचर जो आपका होगा ये आपका टाइटल होगा, तो इस पे आपको पैराग्राफ लिखने थे, कीवर्ड्स को यूज करना था। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता था, यहाँ पे ये जो फ्रेश एयर है, प्योर फूड एंड हेल्दी लाइफ, इन तीन कीवर्ड्स को मिला के आपका एक पैरा बन सकता था, और पोल्यूशन फ्री, प्योर वाटर, फॉरेस्ट, ग्रीनरी एंड हाइजीन, इसको मिला के सेकंड पैराग्राफ आपका बन जाता था, इसको मिला के सेकंड पैरा आपका बन जाता था, और पूरा का पूरा एक पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो जाता। ये जो आपका है डू एज डायरेक्टेड ग्रामेटिकल आइटम्स, यहाँ पे आपको इसमें फिल करने हैं। टू फ्रेंड्स, द डक एंड द कंगारू, पहले में आर आएगा, आर अबाउट टू सेट ऑन अ लॉन्ग प्लेजर ट्रिप, द कंगारू दो हैप्पी टू कैरी द डक ऑल द वे, इसमें ऑन आएगा, ऑन द टिप ऑफ हिज टेल इज वेरी ऑफ हर वेट फीट। तो ये यहाँ पे जो इज का यूज हुआ है, इट मीन्स जो ऊपर के आपकी टेंसेस इसमें यूज हो जाएंगे वो प्रेजेंट वाले टेंसेस यूज हो जाएंगे, पास्ट वाले टेंसेस नहीं यूज हो जाएंगे। What shall the duck do to make the kangaroo feel comfortable over the land and sea? Let us try to find out how they felt about it. यहाँ पे felt use हो जाएगा। अब change the narration. Narration को कैसे change करते हैं? The teacher said to me, "Have you designed your science model?" इसका क्या होगा? इसके लिए the teacher asked me. Because यहाँ पे आगे question है. The teacher asked me if I had designed my science model. Have head में चेंज हो जाएगा, तो ऐसे इसको हम चेंज करेंगे। The student replied that he was not at home yesterday. इसमें क्या हो जाएगा? ये indirect में है, इसको direct हम करेंगे। The teacher said, inverted comma start, I am not at home today. Yesterday today में चेंज हो जाएगा, और was इसकी present form में चेंज हो जाएगा, और ऐसे इसको हम करेंगे। Section C आपका literature portion है, ये आपकी किताब से question आए हैं, इनको आपने अपने हिसाब से answer दिया होगा। तो आई होप आपने लगभग इसी तरीके से पेपर को किया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।